हेलो गाइस, दिस इज़ विजय कुमार राठौड़ FCSA जेएनयू सुरेंद्र नगर। आज हम जानेंगे कि दीक्षा ऐप में से जो कंटेंट डाउनलोड करना है वो कैसे करेंगे। पहले तो हमें गूगल ओपन करना है हमारे डेस्कटॉप या तो लैपटॉप के अंदर। फिर हम लिखेंगे दीक्षा ऐप लॉगिन, उसमें हमें फर्स्ट लिंक मिलेगी। ये लिंक का डिस्क्रिप्शन मैं अपने वीडियो के अंदर ऑलरेडी डाल चुका हूँ। मैंने यहाँ पर ये पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन किया। यहाँ पर एक ऑप्शन है साइन इन, ठीक है, साइन इन पर क्लिक करेंगे। मैंने ऑलरेडी मेरा जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड है मैंने लिख के रखा हुआ है, सेव करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर वो मुझे दिख रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम उसको एक्सेस कर रहे हैं तो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड लॉग इन करने के लिए डालना रहेगा। फिर मैं लॉग इन पर क्लिक करूँगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है वो लोड हो गई। मैं यहाँ से अपना जो भी रिस्पेक्टिव बोर्ड है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। आपका मीडियम सिलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स का हमें लिस्ट मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं 6th क्लास पे क्लिक करूँगा। तो 6th क्लास पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं हिस्ट्री एक्सेस कर रहा हूँ। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक लोड हो जाएगी। लोड होने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। लेट्स सी, यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिल गया। डाउनलोड पे क्लिक किया। सपोज़ मैं डेस्कटॉप पे अभी सेव कर रहा हूँ। हिस्ट्री ये डाउनलोड हो गई, जो भी हमारी PDF थी वो। फॉर एनी क्वेरीज प्लीज़ Do comment in the comment section. Please like and share. Thank you very much. Thank you.